स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली बार हमने पार्ट 8 पढ़ा था, आज हम पार्ट 9 विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ बुक ओपन कर लीजिए, अपनी अपनी खोल कर रखिए सामने, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करिए। जनन, इस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 9। इसमें पहला पॉइंट प्रजनन। तो अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप एवं जंतुओं के लिए प्रजनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। माता पिता से संतति का जन्म प्रजनन कहलाता है। अतः प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देकर अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। प्रजनन किसी जीव विशेष के लिए नहीं अपितु उनकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। प्रकृति ने वरदान रूप यह कला सभी जीवों को प्रदान की है। प्रजनन, प्रजनन किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं प्रजनन के बारे में। पौधों में रूप से दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन, पहला है अलैंगिक प्रजनन। इस प्रकार के जनन में एकल जनन की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। द्विखंडन, विखंडन में जब दो जीव उत्पन्न होते हैं तब उस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। इस विधि में पहले केंद्रक विभक्त होता है, इसके बाद कोशिका द्रव्य। द्विखंडन अमीबा एवं पैरामीशियम आदि में होता है। अमीबा में जनन केंद्रक के सरल विभाजन के बाद कोशिका के दो भागों में बंटने से संपन्न होता है। इसी प्रकार पैरामीशियम भी विभक्त होता है। मुकुलन, दूसरा पॉइंट है मुकुलन। यह भी लैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनन करने वाले जीव के शरीर के तरफ पहले एक छोटा सा उभारा बनता है जिसे कलिका या मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है जिसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। इसके उपरांत मुकुल अपने को पैतृक जीव से अलग करके वृद्धि करता है और एक नया जीव बन जाता है। आकार में पूर्ण रूप हाइड्रा इसी विधि से जनन करते हैं। ईस्ट में कोशिका के सिरे पर साइटोप्लाज्मा के एकत्र होने पर मुकुल बनता है। पैतृक ईस्ट कोशिका का केंद्र दो भागों में विभक्त होता है तथा उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। ईस्ट के मुकुलन द्वारा संतति ईस्ट कोशिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। हाइड्रा में शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। जनक शरीर के ऊपर मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया हाइड्रा के रूप में बदल जाता है। अतः यह जनक शरीर से अलग हो जाता है और बढ़कर एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। खंडन, अगला पॉइंट है खंडन। जनन की इस विधि में जीव दो अथवा अधिक खंडों में टूट जाते हैं तथा ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। फीताकृमी एवं स्पाइरोगायरा खंडन द्वारा जनन करते हैं। प्लेनेरिया का शरीर दो खंडों में विभाजित हो जाता है, एक सिर के साथ और दूसरा पूंछ के साथ। प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग की वृद्धि करता है तथा एक नया वयस्क जीव निर्माण करता है। अगला है पुनर्जनन। शारीरिक भागों में पुनः नए जीव बनने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। हाइड्रा एवं केचुआ अपने शरीर से कटकर अलग हुए किसी भाग में से एक पूर्ण जीव बन सकता है। हाइड्रा के शरीर से अलग हुआ एक छोटा सा भाग एक नया हाइड्रा बनाता है। कार्य प्रबंधन, बीजाणु, पहले है बीजाणु। बीजाणु कोशिकाओं की विराम अवस्था है जिसमें उष्ण तथा शुष्क जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है। अनुकूलन परिस्थिति के मिलने पर मोटी भित्ति टूट जाती है तथा जीवाणु बन जाता है। जीवाणु जनन करता है और सामान्य रूप से वृद्धि करता है। बीजाणु विधि में जनन करने वाली प्रजातियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, म्यूकर या फंजाई, फर्न या मांस। अब आते हैं कार्य प्रबंधन। तो इसमें पढ़ते हैं, जब नए पौधे जनन अंगों की सहायता से बिना पत्ती तना एवं जड़ द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं यह कार्य प्रबंधन
प्रवर्धन कहलाता है। इस विधि का उपयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधों जैसे विशेष रूप से उद्यान में लगाए जाने वाले पौधे तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। इस विधि में स्ट्रॉबेरी, आइरिस, आलू एवं गुलाब के पौधों को उत्पन्न किया जाता है, स्ट्रॉबेरी रेनस। तो ये ऐसे पार्श्व प्ररोह हैं जो मिट्टी के ऊपर उगते हैं। इसमें मुकुल तथा कलियां होती हैं जो नए पौधे को के रूप में उगती हैं। इसके बाद उपरिभूस्तारी तथा अथवा रनर्स नष्ट हो जाते हैं। आलू के कंद, दूसरा है आलू। वास्तव में आलू के पौधे का एक भूमिगत तना होता है जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। आलू में अनेक आँखें होती हैं जो नए पौधे के रूप में अंकुरित हो जाती हैं। प्रकंद ऐसे तने होते हैं जो मिट्टी के अंदर ही अंदर पार्श्व वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए अदरक, ये संग्रहित भोजन के कारण फूले हुए होते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। ग्लेडियोलस या धनकंद कार्म एक सूक्ष्म तना है जो संग्रहित भोजन के कारण फूला हुआ होता है। धनकंद एक दूसरे से पृथक होते हैं एवं नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। पत्तियाँ, कुछ पौधों की पत्तियाँ जैसे बायोफिल्म की कलियाँ होती हैं जो अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे पत्तियों द्वारा बायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर स्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर पूर्ण विकसित पौधा बन जाती हैं। बायोफिल्म और बैगनवेलिया में पत्तियों से नए नए पौधे जन्म लेते हैं। इन पत्तियों का अपस्थानिक कलियां विकसित होती हैं जो गीली भूमि में नए पौधे बनाती हैं। भूमिगत तना द्वारा प्राकृतिक रूप में हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, पुदीना एवं दूब घास आदि में प्रवर्धन करते हैं। आलू एवं अन्य भूमिगत तनों जैसे अदरक, हल्दी, केला, धान और लहसुन आदि में शल्की पत्तियों के कक्ष में कलियां होती हैं। इन कलियों से वास्वीय प्रहोर विकसित हो जाते हैं। कारकीय जनन की क्रमिक विधियाँ, पहली है रोपण। इस विधि में ऐच्छिक पौधे की टहनी या कलम को किसी अन्य वृक्ष के ठूंट या स्कंद में लगा देते हैं। ऐसे भाग स्कंद पौधे के तने का होता है जिसके नीचे मिट्टी में पूरा मूल तंत्र होता है। ऐच्छिक पौधों की टहनियां कलम होती हैं, ठीक है। जैसे अपन गुलाब लगाते हैं और भी कई पौधों की टहनियाँ काट के लगा देते हैं ना, उस तरह की होते हैं ना। कलम को स्कंद के भी से बांध देते हैं, ठीक है ना। बीच में जो रहता है ना स्कंद, उससे अपन उस कलम को बांध देते हैं। केवियन की प्रक्रिया के कारण कलम एवं स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद आता है कलम करना। इस विधि में तना, पत्तियों और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। तने का कलम बनाकर उसमें दो पर्व संधियां होती हैं। ये चित्र में दिखाया गया। वैसे भी अपन जब गुलाब की या किसी पौधे की कलम लगाते हैं तो उसमें बनी रहती हैं दो पर्व संधियां, है ना। भूमि में गाड़ दी जाती हैं। कुछ समय बाद उसमें जड़ें और प्रहो विकसित हो जाते हैं। नीचे से जड़ें आती और ऊपर से छोटे छोटे से स्कंद दिखाई देने लगते हैं, तो अपन समझते हैं उसमें पौधा लगना शुरू हो गया है और पत्तियां उसमें आने लगती हैं ना। कलम लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कलियां अवश्य हों। कलम लगाने की विधि का उपयोग बोगनवेलिया, गन्ना एवं कैक्टस को उगाने में भी किया जाता है। नए पौधे जनक पौधों की मूल प्रतिलिपि होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दाब लगाना। इस विधि में शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। इससे जड़ें निकल आती हैं तथा बाद में नए पौधे बन जाते हैं। इन पौधों को जनक पौधे से अलग कर नए पौधे के रूप में उगाया जाता है। दाब कलम विधि में चमेली, गुलाब तथा बोगनवेलिया के पौधों का उपयोग किया जाता है या उगाया जाता है, ठीक है ना। ऊतक संवर्धन, पौधों के शीर्ष से किसी वर्धमान भाग को लेकर उसकी कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसके एक जैसी
पोषण माध्यम में डाल दिया जाता है, जिससे हार्मोन होते हैं। इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह बनाती हैं। कोशिकाओं का यह छोटा सा समूह जड़ों को जन्म देता है, जिससे सूक्ष्म पौधे बनते हैं। इसके बाद सूक्ष्म पौधों को एक अन्य जेली में डाल दिया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के हार्मोन पैदा हो जाते हैं उसमें, और जो उसके प्रांकुरों के उगने में सहायता करते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग करके केवल एक जनक से कई पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। आजकल ऊतक संवर्धन से कार्डिज, गुलदाउदी, शतावरी एवं बहुत से अन्य पौधों को तैयार किया जाता है। क्रमिक संवर्धन के लाभ, इनसे क्या लाभ होते हैं उसके बारे में। यदि नए पौधे को अपने जनक पौधों के समान परिस्थितियों में उगाया जाता है तो वे अपने जनक पौधों की मूल प्रतिलिपि होते हैं। पैतृक पौधों के वांछनीय गुण संतति कोशिकाओं में प्रतिरूपित हो जाते हैं। बीजों द्वारा उगाए गए फलों के पौधों के पौधे फल देने में कई वर्ष देते हैं। बीज से अपन जब पौधा उगाते हैं तो वो बड़ा होने में और फिर फल देने में बहुत सारा समय ले लेते हैं, लेकिन कलम के द्वारा लगाते हैं तो अपन को रिजल्ट ज़्यादा अच्छा और जल्दी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद ही कलम लगाकर अथवा रोपण विधि से उगाए गए पौधे फल देने लगते हैं। कारकीय प्रबंधन में उगाए जाने वाले पौधों को बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा प्रारंभिक दशा में देखरेख में कम आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में लंबी अवधि तक बीज नहीं लगते, ऐसे पौधे कारकीय प्रबंधन के द्वारा ही उगाए जाते हैं, उदाहरण केला एवं अनानास। नेक्स्ट पेज पे आइए। फूल पौधे का जनन अंग होते हैं। फूल नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। फूल के नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर में पराकण को होता है। पराकण नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर तीन भागों के में बटा होता है, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर के आधार वाले चौड़े भाग को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु में बीजांड होते हैं जो कि युग्मनज बनाते हैं। परागण तथा निषेचन, पुंकेसर के पराग कोष से पराग कणों का स्त्री केसर में अग्रभाग जिसमें वर्तिकाग्र कहते हैं तक पहुँचना परागण कहलाता है। पराग कोष में परागण परिपक्व होने के बाद हवा, पानी अथवा कीटों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। पराग कण के बाद परागण में से एक पराग नली निकलती है। पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक परागनली में यह बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है। इसे ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज माइटोटोरिया विधि द्वारा अनेक प्रकार विभाजित होता है, जिसके आखिरकार एक नया पौधा बन जाता है। निषेचन के पश्चात अंडे में से बीज बनते हैं एवं पूरा अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जंतुओं में जनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन, इस विधि में केवल एक जनक होता है। प्रायः सरल एवं सूक्ष्म जीव इस विधि द्वारा जनन करते हैं। अमीबा एवं पैरामीशियम ऐसे सूक्ष्म जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं। वे सरलतम संभावित विधि द्वारा अलैंगिक जनन से दो भागों में बटकर कोशिकाएँ बनाते हैं। अमीबा के विभाजन में लगभग एक घंटे का समय लगता है। दो भाग अलग होकर दो समान जीवों बनाते हैं। हाइड्रा एवं समुद्री एनीमेन अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। ये मुकुलन उत्पन्न कर अलैंगिक जनन करते हैं। मुकुलन एक उभयचर रूप में बनना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात स्पर्शक मुख तथा उदर उत्पन्न होते हैं और उसके बाद अपने जनक में से अलग हो जाते हैं। इसके विपरीत स्पंज एवं प्रवाल जैसे कुछ जीव अपने जनक जीवों से ही संलयन रहते हैं। ये मुकुल वृद्धि करके संतति को जन्म देते हैं। पुनरुद्भवन न हाइड्रा जैसे कुछ जीव के शरीर
कि किसी भाग में एक नए जीव का जन्म हो सकता है। शरीर के एक भाग से एक पूरे जीवधारी को उत्पन्न करने में इस प्रक्रम को पुनरुद्भवन कहते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। मादा अंडाणु उत्पन्न करती है, जबकि नर शुक्राणु उत्पन्न करता है। शुक्राणु वृषभ नामक जननांग से बने हैं और मादा जनन कोशिकाओं के को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु अंडाशय नामक जननांग में होते हैं। जब शुक्राणु से संलयित होकर एक नई कोशिका युग्मनज बनता है, तब इस प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। कोई निषेचित अंडा अनेक बार विभाजित हो नेक्स्ट पेज पर होता है, कोशिका भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है तथा अंततः भ्रूण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। जब मादा का अंडाणु उसके शरीर से बाहर निषेचित होता है, तब इसे वाय निषेचन कहते हैं। कीटों, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में अंडाणु मादा के शरीर के अंदर निषेचित होते हैं, अतः इसे निषेचन कहते हैं। मानव में लैंगिक जन्म। मनुष्य के जननांग इस प्रकार है। नर जननांग में एक जोड़ी वृषभ कोश के अंदर जो देहगुहा के बाहर स्थित होते हैं, इसमें जुड़ी एथीडर्मिस जिसमें शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक नलिकाकार संरचना शुक्रवाहिनी द्वारा मिली होती है जो शुक्राणुओं को लिंग में पहुंचाती हैं। अन्य अंग शुक्राशय, प्रोटेस्ट, ग्रंथि एवं शिशन एवं मूत्र मार्ग जिसमें वीर बनता है और जिसमें शुक्राणु जीवित रहते हैं। मादा जननांग स्त्री जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय जिसमें अंडे उत्पन्न होते हैं। अंडाशय में अंडवाहिनी जुड़ी होती है जो अंत में एक गर्भाशय बनाती है जिसके अन्य अंग हैं योनि एवं भग आदि। निषेचन मादा के युग्मनज अंडाशय से बाहर निकल जाते हैं, ये अंडे अंडवाहिनियों में पहुंचते हैं, यहाँ पर अंडे का निषेचन होता है। युग्मनज का परिवर्तन गर्भाशय में होता है, यह 9 महीने के समय के में एक पूर्ण बच्चे के रूप में परिवर्तित होता है जो जन्म के समय बाहर आ जाता है। अगला है जीवों में विकास। बहुकोशीय जीव अपना जीवन एकल कोशिका जैसे बीजाणु एवं निषेचित अंडाणु से प्रारंभ करते हैं। एक कोशिका से किसी पूर्ण विकसित बहुकोशीय जीव के बनने में अनेक प्रारंभिक चरण सम्मिलित होते हैं। बीज एवं बीजाणु अंकुरित होते हैं। युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। कुछ आधारभूत इकाइयों जैसे बीज, युग्मनज तथा शरीर के किसी भाग से किसी जीव के बनने के प्रक्रम को विकास कहते हैं। निषेचन के बाद कोशिका विभाजन होता है तथा एकल कोशिका के युग्मनज से कोशिकाओं का पिंड बन जाता है, जिसके बाद कोशिकाओं में गति होती है और उसकी विभिन्न परतें बनती जाती हैं। कोशिकाओं के इस गोलाकार पिंड के अनेक क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं। कोशिकाएं उस समय विभेदित होकर अंग बनाती हैं जब एक बार को शरीर के सभी अंग भली भांति प्रकट करता हो जाते हैं, उन्हें नन्हे जीव का जन्म होता है अथवा जीव अंडा तोड़कर बाहर निकलता है। अंततः यह नन्हा जीव वयस्क जीव के रूप में विकसित हो जाता है। प्रत्येक जीव विभिन्न विभिन्न प्रकार से विकसित होता है। अनेक कीटों जैसे तितली एवं मच्छर में अंडे से निकलने के बाद पूर्ण कीट बनने तक के बीच के विकास के कई चरण होते हैं। उसके विकास के प्रक्रम में कृमि के समान एवं एक अवस्था आती है जिसे लार्वा कहते हैं। इसके बाद लार्वा प्यूपा में अंततः प्यूपा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज ये चैप्टर तो अपना हो गया, पढ़ लिया अपन ने, रीड कर लिया, समझ लिया। एक बार और आप समझिएगा, जनन पार्ट है 9 जनन, इसको आप एक बार अपने से रीडिंग करिएगा और समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास कार्य को करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।